بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم। मेरा नाम कामरान हैदर कुरैशी और आज हम 10th क्लास मैथ साइंस का जो ग्रुप है उसकी 5th चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 5.1C AJK बोर्ड। क्वेश्चन 1 है जी, इफ सेट ए इज 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी कंटेन्स द एलिमेंट 4, 6 एंड 8, 10, देन ड्रा वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हमने दो सेट्स किए, मैंने इन्हीं सेट के अकॉर्डिंग हमने कुछ फंक्शंस होंगे ऑपरेशन, उनकी हमने वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करनी है। वी आर गिवन सेट ए एज 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी इज 4, 6, 8 एंड 10, दे आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स वो होंगे जिनमें कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कामन हों। तो अगर कुछ सेट में एलिमेंट्स कामन नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ये ओवरलैपिंग सेट्स क्यों होंगे? बिकॉज 4 इज़ कामन इन बोथ सेट्स ए एंड बी। सो वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। अब जब ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो इनमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई कामन एरिया भी होगा। तो सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड सेट बी के एलिमेंट है 6, 8, 10। 4 चूँकि दोनों में कामन हो गया तो शेड करेंगे तो जो कामन एरिया होगा जॉइनिंग एरिया उसको हमने शेड करके रिप्रेजेंट कर देना है दिस इज ए यूनियन बी। ये जो लाइन डायग्राम आपको नज़र आ रही है लाइनिंग वाली, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों में ऑफ कोर्स कॉमन आ जाएगा 4। तो जब 4 कॉमन आ गया तो उसका भी शेडेड एरिया जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी फॉर ओवरलैपिंग सेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ यूनिवर्सल सेट गिवन है कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू 20 एंड सेट ए कंटेन्स द एलिमेंट 1, 3, 4, 6, 7 एंड 8, वेर एज सेट बी कंटेन्स एलिमेंट 3, 4, 5, 9, 13, 15 एंड 16, देन ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग बी कम्प्लीमेंट। तो याद रखिएगा जब भी आप सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे, बी कम्प्लीमेंट लेंगे, तो बी कम्प्लीमेंट डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो जब किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो उसको यू के साथ डिफरेंस लेंगे उसका, तो बी कम्प्लीमेंट का हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेट यू होगा, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। तो वेन डायग्राम बी कम्प्लीमेंट के लिए हम शेड कौन सा एरिया करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट का एरिया होगा? तो बी सेट आ जाएगा बिकॉज बी इज़ सब सेट ऑफ सेट यू, कि बी के सारे एलिमेंट सेट यू में हैं, तो शेडेड एरिया जो करेंगे वो यूनिवर्सल सेट का होगा। लाइंड एरिया रिप्रेजेंट्स बी कम्प्लीमेंट। अगेन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी, तो हम प्रीवियस कर चुके हैं कि जब ए और बी का हम लेंगे इंटरसेक्शन तो यहाँ पे ये भी ओवरलैपिंग सेट आ जाएगा क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो ए के एलिमेंट जो डिफरेंट होंगे फ्रॉम बी 1, 6, 7, 8, 9 एंड बी के जो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे 5, 9, 13, 16 एंड 15, तो जो कॉमन एरिया होगा, जो कॉमन एलिमेंट कंटेनिंग एरिया होगा उसको हम शेड कर देंगे। तो ये स्क्वेयर का जो एरिया होगा, स्क्वेयर रीजन एरिया, दिस वन इज का रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट 5th पार्ट है इसका, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो जब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हम सॉल्व करेंगे तो U का डिफरेंस ले लेंगे A यूनियन B से। तो U का जब डिफरेंस लेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो सेट आएगा, दैट इज़ ओनली यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा कम्प्लीमेंट के लिए हम उसी एरिया को शेड करेंगे जो के यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लाइंड एरिया जो होगा हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट सेट की वेन डायग्राम को। नाउ 6th पार्ट है स्टूडेंट्स, सेम हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। जब हम ए कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट U माइनस ए
यूनिवर्सल सेट इसका आंसर रहेगा। जब बी कम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका आंसर भी जो हमारे पास रहेगा दैट इज ओनली यूनिवर्सल सेट। और तो जब यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, हमारे पास यूनिवर्सल सेट या यू सेट ही बच जाएगा। यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे सेट ए के और सेट बी के, ये हो गया हमारे पास कॉमन एरिया। मगर हमने रिप्रेजेंट करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसका आंसर हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के जो एरिया होगा उसको हमने शेड कर देंगे, तो शेड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा दैट रिप्रेजेंट्स ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट वेन डायग्राम। नाउ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अब इसका मतलब यह है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेंड है, यू के अंदर। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1, 2, 3 सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। नो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 4, 6, 7, 8। अब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेंड हैं तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जो कि सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। तो लाइंड एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा रिक्वायर्ड क्वेश्चन को। नो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वी आर गिवन सेट्स यू इक्वल्स टू 1, 2, 3 up to 15। एक्स कंटेंस द एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11। वाई कंटेंस द एलिमेंट 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 and 14। वेर एज सेट जेड इज 4, 5, 6, 9, 12 and 13। देन वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट, एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कम्प्लीमेंट। तो दोनों को सॉल्व करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड को, तो इनका आंसर हमने सेम प्रूफ करना है। पहले हो गया जी एक्स कम्प्लीमेंट, यू नो एक्स कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस एक्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको स्टडी किया था डिटेल्ड में। तो यू डिफरेंस एक्स के साथ क्या करेंगे, लिखेंगे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस नेक्स्ट सेट एक्स होगा। अब डिफरेंस किस तरह लेंगे, डिफरेंस इस तरह लेंगे जो एलिमेंट सेट यू में हूँ बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन सेट एक्स, तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो यू में होंगे और एक्स में नहीं होंगे। सो वी गेट एक्स कम्प्लीमेंट, हम चेक करेंगे यू सेट में पहला एलिमेंट 1 है, 1 तो एक्स में प्रेजेंट है, इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट यू इज़ 2, वेयर एज 2 इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट एक्स, तो 2 लिखेंगे। 3 इज़ प्रेजेंट इन सेट यू एंड 3 इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सेट एक्स, तो 3 यहाँ पे मिस हो जाएगा। तो इसी तरीके से वो एलिमेंट्स जो सेट यू में हूँ मगर सेट एक्स में नहीं होंगे वो लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स कम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम फिर लेंगे जी वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और एक्स और वाई कम्प्लीमेंट का हम ले लेंगे यूनियन, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व हो जाएगी। नाउ वाई कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस वाई, सेम प्रोसेस एलिमेंट ऑफ सेट यू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट वाई, तो डिफरेंस में लिखेंगे जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे यू में और दे आर नॉट प्रेजेंट इन सेट वाई। सो वाई कम्प्लीमेंट यू माइनस वाई हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट के ले लेना है यूनियन, तो जब दोनों का यूनियन लेंगे एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट, तो यूनियन में हम क्या करेंगे दोनों के सेट लिखेंगे अरेंज करके, दोनों के सेट हमारे पास आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 11 up to 15। नाउ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी वी हैव आर गिवन राइट हैंड साइड एज एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कम्प्लीमेंट, तो जिसका भी कम्प्लीमेंट होगा उसको यू में से डिफरेंस कर लेंगे। नाउ एक्स डिफरेंस वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कम्प्लीमेंट, यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे हमने, जो कि हम ऊपर प्रूव कर चुके थे फाइंड इसको। तो फिर यहाँ पे एक्स डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो पहले एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे फिर उसको यू से डिफरेंस ले लेंगे। तो अब चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा, दोनों रिजल्ट सेम हो गए। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो यहाँ पे हम लाइंड एरिया बना देंगे यूनिवर्सल सेट को, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और सेम होगा यहाँ पे डॉटेड एरिया हो जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। तो ये हमने प्रूफ किया रिजल्ट व्हेन डायग्राम ड्रा करेंगे इसकी वी वर आस्क्ड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, इफ ए इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड बी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड 10,
then show that A difference B intersection B is equal to set phi. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A difference B. A difference B लिखेंगे यहाँ पे, वही एलिमेंट लिखेंगे जो सेट A में हों और सेट B में प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा A difference B का रिजल्ट 1, 3, 5, 7, 9. चेक कीजिएगा कि A difference B हमने पहले फाइंड करना है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ. तो 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8, 10. तो इंटरसेक्शन में आपको बताया गया था कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो. तो कोई भी सेट कॉमन नहीं है, सो आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज़ 5. तो ये हमने प्रूफ करना था कि इसका रिजल्ट होगा 5 के इक्वल होगा. देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा. इफ़ यू इज इक्वल टू एन, नेचुरल नंबर हो जाएंगे. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. ए इक्वल्स टू 5 हो गया एंड बी इक्वल्स टू प्राइम नंबर. What are prime numbers? The number which have only two divisors, one and the number itself. Then for 5, De Morgan's law. U हो गया natural number 1, 2, 3, 4, 5 up to so on. A हो गया 5. A B is prime number 2, 3, 5, 7 up to so on prime number. And you know De Morgan's law is mathematically given as A union B whole complement equals to A complement intersection B complement. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट. ए और बी का सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी. तो सबसे पहले हम ए और बी का लेंगे यूनियन, फिर जो यूनियन आएगा ये लिखा हुआ है होल कम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी. अब यूनियन ले लिया, उसको डिफरेंस ले लेंगे यू के साथ, यूनिवर्सल के साथ डिफरेंस लेंगे. तो डिफरेंस में हमने क्या करना है, जो सेट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सेट यू में वो लिखेंगे और जो प्रेजेंट ना हो ए यूनियन बी में दोनों का डिफरेंस लेंगे. वो एलिमेंट लिखेंगे जो यू ए यूनियन बी में हों, फर्स्ट वाले एलिमेंट में होंगे और दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट ना हों. सो आवर लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट इज 1, 4, 6, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन. इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. पहले लेंगे ए कम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन बी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए एज वी हैव प्रूव्ड इन लेफ्ट हैंड साइड. अब हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट. तो पहले ए कम्प्लीमेंट लेंगे, दैट इज़ यू माइनस ए, यू और ए का डिफरेंस तो यू ही आ जाएगा क्योंकि इधर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है. देन बी कम्प्लीमेंट के लिए यू डिफरेंस बी. अब वो एलिमेंट जो यू में हों और बी में नहीं होंगे वो लिखेंगे. देन इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ डी मॉर्गन लॉ. ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, दोनों का जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, 4, 6, 8, 9, 10 एंड सेम इज रिजल्ट विद प्रीवियस वन. सो वी हैव प्रूव्ड डी मॉर्गन लॉ एज ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट. ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1C. अब 5.1D एक्सरसाइज हम करेंगे जो कि बाइनरी रिलेशन के रिलेटेड होगी. वी आर गिवन एक्स एज ए बी एंड वाई एज सी डी, देन फाइंड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम एक्स एंड वाई टू एक्स. एक्स इज ए बी एंड वाई इज सी डी. एक्स बाय वाई हो जाएगा ए बी क्रॉस सी डी. बाइनरी रिलेशन लेंगे इनका. तो जब बाइनरी रिलेशन लेंगे इसका तो हमने इनकी करनी है पेयरिंग. पेयरिंग किस तरह करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसका सेकंड सेट के साथ पेयर कर देंगे. दो दो जोड़े जैसे आप कहते जोड़े बनाएंगे. ए और सी का पेयर हो जाएगा, देन ए और डी का एक पेयर हो गया. देन बी की पेयरिंग करेंगे दोनों से एलिमेंट के साथ, बी सी हो जाएगा, देन बी डी हमारे पास एक पेयर हो गया. ये हो गया हमारे पास एक्स बाई वाई की बाइनरी रिलेशन. अब सेकेंड जो था हमारे पास वाई बाई एक्स की बाइनरी रिलेशन करेंगे. तो पहले y के एलिमेंट लिखेंगे, y के एलिमेंट हमारे पास सी जी बाई ए बी ए, ए के एलिमेंट x के एलिमेंट आ जाएंगे. नाउ y क्रॉस x करेंगे तो c पहला एलिमेंट है और इसका पेयर करेंगे a के साथ, ये हो जाएगा सी ए. कभी भी आपने इसको ए सी नहीं लिखना, जैसे ही पेयरिंग आती जाएगी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड सेकंड बन जाएगा. उनको अरेंज करके या सीधा करके नहीं लिख सकते, डोमेन और रेंज में डिफरेंस आ जाएगा. वरना सी ए फिर सी की करेंगे बी के साथ, देन डी की करेंगे ए के साथ पेयरिंग और फिर डी के साथ करेंगे पेयरिंग बी की. ये इजी से एक्सरसाइज है, बहुत आसान है.
बाइनरी रिलेशन के अकॉर्डिंग है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर टू भी बिल्कुल सेम है इसका। इफ़ ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2 देन शो दैट ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए, दोनों की बाइनरी रिलेशन इक्वल होगा। ए बी या बी बी गिवन है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप ए बाई बी, ए और बी के लेंगे बाइनरी रिलेशन 1, 2 क्रॉस 1, 2 1, 1 फिर 1 की पेयरिंग होगी 2 के साथ, देन 2 की पेयरिंग करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ 2, 1 एंड 2, 2। अब बी क्रॉस ए देखिएगा, आप बी के एलिमेंट बिल्कुल सेम थे, यही रिजल्ट आएगा। अब चेक करेंगे ए क्रॉस बी या ए बाई बी की जो डोमेन थी, फर्स्ट एलिमेंट वो डोमेन होती है, डोमेन इज 1 एंड 2, रेंज इज ऑल्सो 1 एंड 2। तो बी बाई ए की डोमेन और सेम रेंज सेम आएगी, सो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इफ़ ए इज इक्वल टू -1, 0, 2, 3 एंड बी इक्वल टू 5, 6, 7 देन शो दैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी बाई ए। ए और बी बिल्कुल वही प्रोसेस आप करेंगे, ए बाई बी के हमने पेयरिंग करनी है, फिर इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे बी क्रॉस ए। बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे वहाँ पे 5, 6, 7 और -1, 0, 2, 3। तो जब करेंगे दोनों की डोमेन और रेंज, ए बाई बी की डोमेन और बी बाई ए की डोमेन बिल्कुल इक्वल नहीं आएगी। जब डोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं होगी तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूफ नहीं होगा। तो यहाँ पे बी बाई ए हमारे पास हो जाएगा 5, 1, 5, 0, 5, 2 दोनों की डोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगी तो ये रिजल्ट इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एक्सरसाइज का। फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इफ़ हमें दो सेट्स गिवन है, 3P+1 फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट 0 इक्वल टू सेकंड एलिमेंट सेट हमारे पास 1 एंड Q+1। बेसिकली यहाँ पे हमें दो सेट्स गिवन है और कंडीशन यह है दोनों सेट्स आपस में दे आर इक्वल। अगर दो सेट आपस में इक्वल होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है 3P जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। 3P+1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और 0 इक्वल हो जाएगा Q+1 के इक्वल। सो 3P+1 इज इक्वल टू 1 और P हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3P+1 इज इक्वल टू 1। 3P इज इक्वल टू 1 -1, 0 एंड P हो जाएगा 0। Q+1 इक्वल टू 0 तो Q हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। बिल्कुल ऐसे सेकंड पार्ट हमारे पास P+2Q ये हो जाएगा 4 के इक्वल एंड 3 इज इक्वल टू 3P+4Q। तो फर्स्ट हमारे पास P+2Q इक्वल टू 4 और सेकंड हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3P+4Q। इक्वेशन 1 में से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे P या Q की। P हमारे पास हो जाएगा 4 -2Q। अब ये P की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये एक्सरसाइज हमने 2.7 की थी, उसी में ये सारे हमने मेथड स्टडी किए थे कि सब्सटीट्यूशन मेथड से किस तरह किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ये आसान सा क्वेश्चन है कि किसी एक में इक्वेशन में से किसी की भी वैल्यू फाइंड करें, दूसरे में पुट कर दें, फिर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस एक्सरसाइज का। अब लास्ट क्वेश्चन में ये हमें फाइंड ए एंड बी इफ़ बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 2, 1, 3, 4, 4, 7 एंड 4, 10। अब बी क्रॉस ए है तो हम पहले बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी क्रॉस ए गिवन है तो इसमें देखें बी हमारे पास फर्स्ट है और ए सेकंड है, तो जो सेकंड एंट्रीज होंगी 1, 4, 7, 10 ये हो जाएगी ए के इक्वल और जो इसकी डोमेन होगी वो हो जाएगी बी के इक्वल 2, 3, 4 ये हमारे पास हो गया ए। चूँकि हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, इसको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी क्रॉस ए का रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 देखिएगा जी, सेम है 5.1 डी के साथ। इफ़ ए इज इक्वल टू PQRS एंड बी इज इक्वल टू AEIOU फाइंड 3 बाइनरी रिलेशन फॉर ईच ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी हम लिखेंगे PQRS क्रॉस AEIOU बाइनरी रिलेशन, पी की पेयरिंग करेंगे ए के जो एलिमेंट होंगे उनकी पेयरिंग बी के एलिमेंट के साथ 1 बाई 1 पेयरिंग करेंगे, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी। पेयरिंग करने के बाद बाइनरी रिलेशन R1, R2, R3 हम लिखेंगे। वो किस तरह लिखेंगे कि इसी में से जो हमने इनके सबसेट फाइंड किए होंगे इन्हीं में से 2-3 सेट हम लिख लेंगे
फर्स्ट हम लिख लेंगे जी पी ई पी आई पी ओ लिख लें बेशक, सेकंड पी ओ क्यू ए लिखने इस तरह हैं कि इनमें कोई भी डोमेन या रेंज वाला रिपीट ना हो। सबसेट कोई भी उठा के आप लिख सकते हैं बाइनरी रिलेशन के लिए, मगर सेम नहीं लिखेंगे, डिफरेंट लिख सकते हैं हम, जो मर्ज़ी लिखें यहाँ से पेयरिंग उठा के पी ए पी ई पी आई आर वन हो जाएगा, आर टू आप लिखें क्यू ए आर ई आर आई और आर थ्री लिख लें एस ए एस आई एस यू बेशक। तो ये है जी बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का मेथड एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सेम ए और बी गिवन है, ए क्रॉस बी, इसमें भी ए क्रॉस बी बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो बाइनरी रिलेशन आर वन फाइव हो जाएगा बिकॉज फाइव इज द सब सेट ऑफ एवरी सेट्स, आर टू हो जाएगा वन फाइव टू सिक्स कर लें, आर थ्री लिख लें वन सिक्स टू सेवन थ्री फाइव, देखें कोई भी डोमेन या रेंज हमारे पास रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, आर वन हमें बाइनरी रिलेशन गिवन है, इसमें से हमने डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी है, वी आर गिवन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो डोमेन इसके फर्स्ट इंट्रीज या एक्स एलिमेंट्स होंगे, जो पहले पहली डोमेन थ्री फाइव सेवन नाइन डोमेन हो जाएगी, और रेंज होगी हमारे पास सेकेंड इंट्रीज फोर सिक्स एट एंड टेन, हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फाइव है जी, इफ़ डोमेन एंड रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन आर दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन फाइंड इट्स रेंज। अब नेचुरल नंबर है तो हम ए को सपोज करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव के इक्वल, तो सेट्स बनाएंगे ए और बी के, हमारे पास सेट बन, अगर ए वन हो जाएगा तो बी प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू वन का स्क्वायर टू वन हो गया, तो पहला सेट हमारे पास बन जाएगा ए बी, अगर ए हमारे पास टू हो जाएगा तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी सेट बनाएंगे, अगर ए थ्री हो जाए देन बी प्लस वन इज टू ए स्क्वेयर था तो टू ए जगह थ्री लिखेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थ्री टू थ्री पावर टू नाइन, नाइन टू आर एटीन, अब बी तो जाके माइनस हो जाएगा, एटीन माइनस वन इज इक्वल टू सेवनटीन ए बी, अब इसके लिए हमने ए सपोज किया था थ्री तो बी का रिजल्ट हमारे पास आ गया सेवनटीन। बिल्कुल इसी तरीके से ए को जब हम फोर करेंगे बी प्लस वन इज टू ए पावर फोर, बी इज इक्वल टू टू ए पावर फोर माइनस वन, ये प्लस वन जाके माइनस हो जाएगा, तो नेक्स्ट सेट हमारे पास आ जाएगा ए फोर बी थर्टी वन, तो वन वन जो हमारे पास ए वन था तो बी भी वन आ गया, ए टू था तो बी सेवन आ गया, ए थ्री था तो बी सेवनटीन आ जाएगा, इसी के तरीके से हमने इसको क्या करेंगे इसके सेट बनाते जाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जी 5.3, इसमें हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको हम कहेंगे डोमेन, दूसरे एलिमेंट्स को हम कहेंगे रेंज, तो फंक्शन होगा फर्स्ट फंक्शन के जो एलिमेंट्स होंगे एक्स ये डोमेन और सेकंड वाले रेंज हो जाएंगे। अब फंक्शन कब होगा, जब कोई भी डोमेन रिपीट ना हो, फॉर एग्जांपल वन के पेयरिंग फाइव के साथ और अगर वन के पेयरिंग सिक्स के साथ करेंगे तो फंक्शन नहीं होगा, और डोमेन में कोई भी एलिमेंट हमारे पास एक्स्ट्रा ना बचे जिसकी इमेज बी में ना हो। अब वन फाइव टू सिक्स और थ्री की हो जाएगी हमारे पास सेवन, तो ये देखे बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, थ्री एट फोर नाइन फाइव के साथ बन गया टेन और सिक्स भी बन गया हमारे पास नाइन, तो ये फंक्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डोमेन रिपीट हो जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा एक फंक्शन। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ए की इमेज बन गई फाइव के साथ, टू की बन जाएगी सेवन के साथ, थ्री की बन गई एट के साथ, फोर की बन जाएगी नाइन के साथ, सो दिस इज़ अ फंक्शन बिकॉज डोमेन हमारी रिपीट है नहीं होगी, सेम फंक्शन यहाँ भी ये फंक्शन है। अब इस पार्ट में देखें थ्री की इमेज दो दफ़ा बनी है, थ्री का फोर के साथ भी हो गया, थ्री फाइव के साथ भी हो गया, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज डोमेन इज रिपीटेड, तो ये फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा इसका आपको आइडिया होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारे पास इसका एक क्वेश्चन था 5.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर टू में हमें फंक्शन गिवन है, हमने इसकी डायग्राम ड्रा करनी है, वन थ्री टू थ्री थ्री फाइव फोर सिक्स, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी डोमेन, वन टू थ्री फोर डोमेन हो जाएगी एंड थ्री थ्री फाइव सिक्स हमारे पास इसकी हो जाएगी रेंज, तो इस तरह इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे हम एक फंक्शन की सूरत में, डायग्राम भी बनाएंगे और वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस भी हम इनकी कर सकते हैं जी। ये था हमारा आज का लेक्चर यूनिट नंबर फाइव, शार्ट्स या सेट्स के बारे में आप स्टडी करते आए हैं, तो आसान सा लेक्चर था आज का, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो
दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ो नगेबाँ हो। अल्लाह हाफिज़।